हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज भानु प्रताप सिंह। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द अप्लाइड साइक्रोमेट्री एंड हीट फ्लो एस्टिमेशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग व्हिच इज द 5th यूनिट। सो इन दिस पार्ट वी विल सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द अबव प्रोसेसेस ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। हमने पीछे जो भी देखा था उन सबको अगर मैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे प्लॉट करूँ, साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे कैसे प्लॉट होगा वो देखते हैं ना बच्चों। चलिए, तो वो टू ये क्या है देख रहे हैं, यहाँ टेबल टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा। टीबी इज लेस देन टी ए। ओ टू ए में सेंसिबिलिटी। सेंसिबल क्यों? क्योंकि ओमेगा कॉन्स्टेंट, ओमेगा ओ, ओमेगा ए कॉन्स्टेंट। ओ टू ए हो गया। ओ टू बी क्या कर रहे हैं? ओ टू बी ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं। ह्यूमिडिफिकेशन क्यों? टेम्परेचर टी ओ इज इक्वल टू टी डी, तो ड्राइवल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ा रहा है ओमेगा ओ से ओमेगा बी, ठीक है। तो ह्यूमिडिफिकेशन हो गया। ओ टू बी, ओ टू सी क्या है? सेंसिबल कूलिंग हो गया। कूलिंग क्यों? क्योंकि कीपिंग ओमेगा एज अ कॉन्स्टेंट, डिक्रीजिंग द ड्राइवल टेम्परेचर, जो टी ओ है तो ज्यादा होगा, टी सी कम होगा, तो सेंसिबल कूलिंग होंगे। ओ टू डी क्या है? डी ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन क्या होगा? कीपिंग ड्राइवल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, मतलब टी ओ इज इक्वल टू टी डी, ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घटा दिया, मतलब ओमेगा ओ इज ग्रेटर देन ओमेगा डी, ठीक। तो ओ टू ए सेंसिबल हीटिंग, ओ टू बी ह्यूमिडिफिकेशन, ओ टू सी सेंसिबल कूलिंग, ओ टू डी डी ह्यूमिडिफिकेशन। इसको अगर मैं एक लाइन से प्लॉट करूँ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ओ टू ए सेंसिबल हीटिंग, ओ टू बी ह्यूमिडिफिकेशन, ओ टू सी सेंसिबल कूलिंग, ओ टू डी डी ह्यूमिडिफिकेशन। तो बच्चों मैंने कहा था सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग या ह्यूमिडिफिकेशन, डी ह्यूमिडिफिकेशन अकेले नहीं होते। तो जब अगर मैं सॉरी बाहर को जल रहा है तो हो जाती है मुझे सफोकेशन। ओ टू बी और एस अगर मैं डायरेक्शन लू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। तो अगर मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखूँ, मतलब ह्यूमिडिफिकेशन और सेंसिबल हीटिंग दोनों का अगर मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखूँ, ये नॉर्थ है अगर ये ईस्ट है, तो क्या हो जाएगा? सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। तो मैंने कहा था सेंसिबल हीटिंग क्या है? कीपिंग ओमेगा एज अ कॉन्स्टेंट, इंक्रीजिंग द ड्राइवल टेम्परेचर, इज इट? क्या? और ह्यूमिडिफिकेशन क्या है? इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट, तो नमी की मात्रा बढ़ाना ह्यूमिडिफिकेशन है, और तापमान बढ़ाना ओमेगा को कॉन्स्टेंट रखते हुए क्या है? सेंसिबल हीटिंग। तो सेंसिबल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन विंटर एसी यानी जो ठंडियों में एसी एयर कंडीशन प्रयुक्त होता है वातानुकूलन, उसमें प्रयोग होता है। हीटिंग भी करते हैं, नमी की मात्रा भी बढ़ाते हैं, क्योंकि ठंडियों में मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है, ड्रेनेज ज्यादा रहती है, इसीलिए ह्यूमिडिफिकेशन नमी बढ़ाते हैं, और ठंडी रहती है तो हीटिंग भी करते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसके अपोजिट यहाँ सेंसिबल कूलिंग था, यहाँ ह्यूमिडिफिकेशन, ओ टू डी ह्यूमिडिफिकेशन, ओ टू सी सेंसिबल कूलिंग। तो अगर मैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाऊँ, अगर ये साउथ है और ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट में क्या होगा? सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब ठंडा कर रहे हैं और नमी की मात्रा को घटा रहे हैं। तो ऐसा किस में होगा? समर एसी में, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, नमी ज्यादा रहती है, तो नमी को कम करते हैं, मतलब डिह्यूमिडिफाई करते हैं, डिह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, निरार्द्रीकरण करते हैं, और सेंसिबल कूलिंग करते हैं ना, ये शीतलन करते हैं। तो सेंसिबल कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन किस में करते हैं? गर्मियों के मौसम में जो एयर कंडीशनिंग प्रयुक्त होता है उसमें, ठीक है बच्चों। सेंसिबल कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन कहाँ करते हैं, तो ये बात सोचने वाली है, तो मैं बता देता हूँ। सेंसिबल कूलिंग ये है आपका, सेंसिबल ह्यूमिडिफिकेशन है, तो ये भी इस्तेमाल होता है रेगिस्तान कूलर, डिजर्ट कूलर में। होता क्या, वहाँ ड्यूमिडिफिकेशन ज्यादा रहती है, मतलब नमी बहुत कम रहती है, तो कूलिंग तो करते ही है लेकिन नमी की मात्रा भी बढ़ाते, ठीक। तो हो जाता है डिजर्ट कूलर इस्तेमाल होता है, वहाँ कूलिंग भी कर रहे हैं, नमी की मात्रा भी बढ़ा रहे हैं, वो हो जाता है डिजर्ट कूलर, ठीक। देखिए हमारा सेंसिबल हीटिंग और डी ह्यूमिडिफिकेशन, तो
बहुत कम ही रेयरली कहीं यूज नहीं होता है, जैसे कि ये डिजर्ट कूलर समर एसी और विंटर एसी यूज करेंगे। तो वही नोट का पॉइंट है, इन केस ऑफ समर एसी द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, क्यों कि गर्मियों के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, नमी ज्यादा रहती है, नमी की मात्रा घटानी पड़ती है कूलिंग के साथ, ठंडा करने के साथ शीतलन के साथ नमी की मात्रा भी घटानी पड़ती है जो समर एसी। अकॉर्ड्स वेन वेयर एज इन केस ऑफ विंटर एसी जबकि ठंडियों के एसी में अल्टरनेट कंडीशन में द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन अकर्स, गर्म करते हैं और नमी की मात्रा बढ़ाते हैं क्योंकि ठंडियों के मौसम में ड्राइनेस ज्यादा रहती है। इन डिजर्ट कूलर कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन अकर्स, डिजर्ट कूलर में कूलिंग भी होती है ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है, क्यों क्योंकि ड्राई रहती है तो नमी की मात्रा बढ़ाती है, जिसको हम एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस भी कहते हैं या फिर जहाँ एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस होता है। डिजर्ट कूलर आर मोस्ट इफेक्टिव, डिजर्ट कूलर जो होता है रेगिस्तानी कूलर वो ज्यादा प्रभावी होता है व्हेन द वैल्यू ऑफ वेट वर्ल्ड डिप्रेशन इज हाई, जब वेट वर्ल्ड डिप्रेशन WBD का मान ज्यादा होता है। तो WBD क्या है, तो WBD वेट वर्ल्ड डिप्रेशन इज द डिफरेंस ऑफ ड्राइवर टेम्परेचर एंड वेट वर्ल्ड टेम्परेचर, डीबीटी माइनस WBT इज इक्वल टू WBD वेट वर्ल्ड डिप्रेशन बताया हो, ठीक है। जरा देखते हैं ये वन है ये टू है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, आप यहाँ से देख सकते हैं O2 यहाँ आ रहा है, वन टू टू आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी भी घटा रहे हैं मतलब डीह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं, और वन टू टू में ड्राइवर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हीटिंग कर रहे हैं, वन पे हाई टेम्परेचर टू पे हाई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना लेफ्ट टू राइट में, और वन टू टू में वन यहाँ ओमेगा वन ओमेगा टू यहाँ नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं घट रहा है, तो सेंसिबल हीटिंग कर रहे हैं, वन टू टू हीटिंग हो रही है और डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है ना। तो ऐसा करते करने से क्या होगा, तो ड्राइवर टेम्परेचर बढ़ेगा, ओमेगा घटेगा, ओमेगा घटेगा तो डिफरेंट टेम्परेचर भी घटेगा, हॉरिजॉन्टल वो भी है, फाई क्या होगा, फाई यहाँ है तो यहाँ सैचुरेशन कर्व से दूर जा रहे हैं तो फाई भी घटेगा, एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी कह नहीं सकते बच्चों क्योंकि ये कितना इंक्लाइन है, क्योंकि एंथैल्पी भी इंक्लाइंड है, हो सकता है एंथैल्पी कांस्टेंट हो, है ना, या हो सकता है ज्यादा इंक्लाइंड हो एंथैल्पी कम इंक्लाइंड हो, तो डिपेंड करता है ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद। वेट वर्ल्ड टेम्परेचर क्या होगा तो भी नहीं कह सकते क्योंकि तीनों लाइनें एंथैल्पी वेट वर्ल्ड टेम्परेचर स्पेसिफिक वैल्यू इंक्लाइंड होती है, अब हम कह नहीं सकते बिना ग्राफ पे प्लॉट किए, ठीक है ना। तो जब आप प्लॉट करेंगे तब पता चलेगा कि कौन सा ओवरलैप कर रहा है इस 1-2-2 से और कौन सा ज्यादा इंक्लाइनेशन है, तो कौन कितना है वो प्लॉटिंग के बाद पता चल जाएगी, मैं जब नंबर करूंगा तो बता दूंगा। आगे बढ़ा, एडियाबेटिक या केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, तो एडियाबेटिक सैचुरेशन का मतलब है कि इस प्रक्रिया में ऊष्मा की मात्रा में बिना परिवर्तन किए मतलब हीट कंटेंट में कोई परिवर्तन नहीं करता, एडियाबेटिक है, नमी की मात्रा या आर्द्रता अनुपात बढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सर्कुलेटेड वाटर का जो एयर होता है उसका स्प्रे करते हैं, पानी के कुछ भाग का इवेपोरेशन होता है, वो इवेपोरेशन के साथ साथ जो वायु होती है सैचुरेटेड यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है, ठीक है, उसी को हम इवेपोरेटिव कूलिंग भी कह रहे हैं, एडियाबेटिक सैचुरेशन भी कह रहे हैं, मतलब वाष्पन शीतलन भी कह रहे हैं और रुद्धोष्म संतृप्तिकरण भी कह रहे हैं। इस प्रक्रिया में जो सेंसिबल हीट है वो हटाई जाती है और नमी को जोड़ी जाती है, एडियाबेटिक सैचुरेशन में सेंसिबल हीट हटता है और मॉइस्चर कंटेंट जोड़ा जाता है, अर्थात लेटेंट हीट ऐड होती है, लेटेंट हीट कुछ ऊष्मा जोड़ी जाती है, ठीक है ना। तो एडियाबेटिक सैचुरेशन में वेट वर्ल्ड टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और एंथैल्पी भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एडियाबेटिक या केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, तो हमने जैसा कि केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन, एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन क्या है हमने कहा था, एडियाबेटिक का मतलब क्या है कि जो इस प्रक्रिया में सेंसिबल हीट हटाई जाती है नमी जोड़ी जाती है ना। तो जरा देखते हैं क्या होता है, 1-2-2 है, 1-2-2 प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन या केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन, रुद्धोष्म आर्द्रीकरण। तो एडियाबेटिक का मतलब देखिए जरा, 1 पे क्या है टेम्परेचर, 1 है, 2 पे क्या है घट रहा है, तो 1-2-2 साइकिल लग जा रहा है टेम्परेचर घटेगा तो ड्राइवर टेम्परेचर घट रहा है यानी ड्राइवर टेम्परेचर घट, ठीक। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, 1 पे यहाँ है 2 पे यहाँ है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में भी पॉइंट टेम्परेचर भी होता है,
वो भी बढ़ेगा, डिफरेंट टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब अगर ये सैचुरेशन कर्व संतृप्त वक्र है, सैचुरेशन कर्व के पैरेलल वन पे खींचे और टू पे खींचे तो आई सैचुरेशन कर्व की तरफ जा रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है। और एंथैल्पी जो है 1 to 2 में एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन में, और वेट बल्ब टेम्परेचर हमने कहा था वेट बल्ब टेम्परेचर मेरे फ्यूचर लाइन है अभी एक दूसरे को ओवरलैप करती है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो एंथैल्पी कॉन्स्टेंट और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ से ये ड्रॉ करिए, ये जो यहाँ पे दिखाया मैंने स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, वन पे हमने एक इंक्लाइन लाइन स्पेसिफिक वॉल्यूम वन स्पेसिफिक वॉल्यूम टू, तो ये लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है, राइट टू लेफ्ट में घटता है। जब लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है, राइट टू लेफ्ट में घटता है तो हम कैसे जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, वन टू टू जा रहा है, तो वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, तो वी टू का मान घट रहा है वॉल्यूम आपके अच्छे खत्म घट रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था ह्यूमिडिफिकेशन, देख सकते हैं केमिकल का मतलब समझ ही रहे एडियाबेटिक का मतलब। अब ह्यूमिडिफिकेशन तो देख लीजिए 1 to 2 1 to 2 ह्यूमिडिटी नमी की मात्रा बढ़ा रहे हैं। अब वही अगर एडियाबेटिक या केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन होगा तो नमी की मात्रा घटाएंगे, मतलब 1 to 2 गए थे 2 to 1 आ जाएंगे, मतलब 1 यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, तो देखिए 1 to 2 आ गए, तो इसमें क्या होगा, तो 1 to 2 गए तो ड्राइवर टेम्परेचर यहाँ वर्टिकल लाइन यहाँ थी, ये इसकी वर्टिकल लाइन है, तो ड्राइवर टेम्परेचर लेफ्ट टू राइट में बढ़ेगा, मतलब T1 इज लेस देन T2, तो T1 बढ़ा मतलब ड्राइवर टेम्परेचर बढ़ा। ओमेगा देखते हैं, ओमेगा पहले यहाँ था हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी ओमेगा यहाँ हो गया तो वो यहाँ से यहाँ आ गया डाउनवर्ड घटेगा, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम सॉरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घटी, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घटी तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इक्वल टेम्परेचर ही वो भी घटेगा, ओमेगा के साथ वेरी करता है। अच्छा अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सैचुरेशन कर्व पे फाइव यहाँ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व 2 यहाँ है, तो सैचुरेशन कर्व से दूर जा रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी घटेगी। एंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होंगे क्योंकि ये एंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर का जो इंक्लाइनेशन है उसी के ही इंक्लाइनेशन के बराबर है, झुकाव कोण के बराबर है, इसीलिए इसका जो एंथैल्पी होगा और वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, मतलब जो एंथैल्पी 1 पे होगी वही 2 पे होगी, क्योंकि ये एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन है, और वेट बल्ब टेम्परेचर भी वही होगा कॉन्स्टेंट होगा, जो हमें WBT1 WBT2 इक्वल होगा, H1 H2 इक्वल होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन ये है तो बढ़ गई है ना, तो आप देख सकते हैं एडियाबेटिक केमिकल एडियाबेटिक केमिकल ही कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है ना, मतलब इस प्रक्रिया में ऊष्मा की मात्रा बिना बढ़ाया बिना परिवर्तन किया, ऊष्मा की मात्रा देख सकते हैं परिवर्तन नहीं किए, ऊष्मा की मात्रा क्या एंथैल्पी, एंथैल्पी को ही हम कहते हैं टोटल हीट कंटेंट ऑफ बॉडी, किसी पिंड की कुल ऊष्मा की मात्रा, तो उष्मा नहीं बदल रही है, देख सकते हो उष्मा कांस्टेंट है, उष्मा कांस्टेंट है, उष्मा कांस्टेंट है, तो उष्मा की मात्रा को बिना बढ़ाए या घटाए मतलब कांस्टेंट रखे नमी की मात्रा को बढ़ाना या घटाना, अगर नमी की मात्रा बढ़ाएंगे तो ह्यूमिडिफिकेशन, उष्मा की मात्रा नियतांक रखते हुए अगर नमी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं आप ओमेगा 1 to 2 बढ़ रहा है तो ह्यूमिडिफिकेशन एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन, और अगर उष्मा की मात्रा को कांस्टेंट रखते हुए नमी की मात्रा घटा रहे हैं, देख सकते हैं ओमेगा 1 से ओमेगा 2 घट रहा है, तो इसको हम एडियाबेटिक डीह्यूमिडिफिकेशन कहेंगे, सिंपल सा टर्म है। ठीक है, एडियाबेटिक सैचुरेशन अभी बताया है ना, एडियाबेटिक सैचुरेशन क्या है, तो सबसे बड़ी बात कि इसमें पानी के कुछ भाग का इवेपोरेशन होने के साथ साथ जो एयर होती है वो सैचुरेटेड भी हो जाती है, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, यानी जो दूसरा पॉइंट है वो सैचुरेशन कर्व पे होता है, यानी सैचुरेशन कर्व पे होगा तो सैचुरेशन कर्व पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है यानी 1 होती है। तो एडियाबेटिक सैचुरेशन क्या है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा की मात्रा परिवर्तन किए बिना यहाँ भी एंथैल्पी कांस्टेंट होगी, नमी की मात्रा या आर्द्रता का अनुपात बढ़ाया जाता है, इसमें पुनः सर्कुलेटेड पानी को एयर के फॉर्म में स्प्रे किया जाता है या सर्कुलेटेड वाटर को स्प्रे किया जाता है नारियल के थ्रू, पानी के कुछ भाग का इवेपोरेशन होने के साथ साथ सैचुरेशन भी होता है, मतलब ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया में सेंसिबल हीट हटाई जाती है और नमी को जोड़ी जाती है। आप देख सकते हैं 1 to 2 में क्या हो रहा है, T1 ज्यादा होगा T2 कम होगा, तो सेंसिबल हीट हटा रहे हैं मतलब हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं ना, कूलिंग कर रहे हैं मतलब सेंसिबल हीट हटा रहे हैं और नमी की मात्रा ऐड कर रहे हैं, देख सकते हैं 1 ये नमी यहाँ है मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और 2 यहाँ है, नीचे से ऊपर में बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी ऐड कर रहे हैं मतलब नमी को बढ़ा रहे हैं
और क्या कर रहे हैं, सेंसिबल हीट यानी गे उष्मा हटा रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं 1 to 2 में डबल टेम्परेचर घट रहा है, मतलब सेंसिबल हीट घट रहा है। ठीक है, चलिए तो जरा डायबिटिक सेचुरेशन देखते हैं। 1 कहीं भी हमारा पॉइंट ऑन सेचुरेशन कब तक प्लॉट कर देंगे, है ना। सेचुरेशन कब तक अगर प्लॉट करेंगे, एंथैल्पी को कांस्टेंट रखते हैं, उष्मा को कांस्टेंट रखते हैं, उष्मा कांस्टेंट है तो वेरिएबल टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सेम डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन होता है, झुका कोण एक समान होता है, सीधी रेखा ही होती है, झुकी हुई सीधी रेखा होती है एक समान कोण पे, तो ये दोनों कांस्टेंट, तो उष्मा कांस्टेंट। अब डायबल टेम्परेचर देख लीजिए, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो राइट टू लेफ्ट गए तो घटेगा, तो डायबल टेम्परेचर घटा। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देख लीजिए, 1 to 2, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नीचे से ऊपर गया है, बढ़ा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ा है, तभी पॉइंट टेम्परेचर भी इसी हॉरिजॉन्टल ही होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के फॉर्म में होता है, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के ही लाइन के ही प्रोसेस को फॉलो करता है, के ही टर्म को फॉलो करता है, तो ये भी बढ़ेगा, मतलब इसी के पैरेलल ये भी होती है, बढ़ता है तो भी बढ़ेगा। अब फाई क्या होगा, तो सैचुरेशन कर्व की तरफ गए हैं, तो फाई का मान बढ़ेगा, मतलब 1 पे ये सैचुरेशन कर्व है, 2 सैचुरेशन कर्व पे ही है, तो 2 तो 100% है, 1 मान लीजिए 50-60 कुछ भी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी और एंथैल्पी और वेरिएबल टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 to 2 गए हैं, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर आप प्लॉट करें तो ये 1, स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 की प्लॉट करें तो ये 2, लेफ्ट टू राइट में बढ़ेगा, राइट टू लेफ्ट में घटेगा, तो राइट टू लेफ्ट गए हैं घटेगा। ठीक, तो अपैरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है बच्चों, उसको समझ लेते हैं। तो अपैरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। अगर हम कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं, तो जरा आप देखिए 1 से अगर हम यहाँ आ रहे हैं, तो देखिए कूलिंग भी कर रहा है, कूलिंग का मतलब क्या, T1 ज्यादा है, KDP पे कम है, मतलब यहाँ पे डायबल टेम्परेचर कम है, यहाँ ज्यादा है, कूलिंग कर रहे हैं। ठीक, तो कूलिंग कर रहे हैं, डिह्यूमिडिफिकेशन क्यों, जब 1 से यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे ω1 स्पेशल ह्यूमिडिटी 1 पे था, और जब सैचुरेशन कर्व तक चले जाएंगे ωADP, तो ओमेगा भी घट रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घट रही है, मतलब इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। शीतलन और निरार्द्रीकरण को अगर हम सैचुरेशन कर्व तक प्लॉट करें, वही ऑपरेटर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है, या ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट होता है, तो वहां से ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट से हम अगर वर्टिकल लाइन खींचें, वही ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमें मिल जाए। देखिए 1 to 2 क्या किया हम, तो कूलिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं कूलिंग हो रही है, T1 से यहाँ TADP आ रहा है, कूलिंग हो रही है। ठीक, ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, 1 से 2 पे आ रहे हैं, देख सकते हैं ω1 ज्यादा है ωADP से, तो डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, कूलिंग भी हो रही है। तो कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन को हम कहाँ तक खींचे, तो सैचुरेशन कर्व तक, ये देख रहे हैं ये सैचुरेशन कर्व है, यहाँ तक हमने पॉइंट आउट कर लिया, तो ये पॉइंट मिलेगा ऑपरेटर्स डी पॉइंट। ठीक, मतलब कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन को हमने सैचुरेशन पॉइंट तक ला दिया, सैचुरेशन कर्व तक, तो हमारा ऑपरेटर्स डी पॉइंट होगा, और यहाँ से अगर हम वर्टिकल ड्रॉ कर लें तो ऑपरेटर्स डी पॉइंट टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 बातें ध्यान रखने के योग्य है कि ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट का मतलब ये होता है कि कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन, देख सकते हैं 1 to 2, 1 to ADP आ रहा है, कूलिंग हो रही है, लेफ्ट टू राइट में डायबल टेम्परेचर घट रहा है, कूलिंग हो रही है, और ω1 से ω ADP नीचे आ रहे हैं, तो डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, तो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन पहली बार। दूसरी, TMS सैचुरेशन कर्व तक आना है। तीसरी बार, सैचुरेशन कर्व तक आएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, 1 होगी, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट की कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियोस यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर की एमवी क्या होती है बच्चों, तो बाईपास फैक्टर की एमवी होती है उपमार्ग गुणक। तो उसको समझने की जरूरत क्या है, तो उसको समझने की जरूरत है कि क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम चौथे पार्ट में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। चलिए बच्चों, बाय।